वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद प्रियंका कश्यप। अगर आप अपनी चार्ट एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मार्केट आर्स के दौरान जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ हम आपको अपडेट कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉर्निंग में हमने आपको सभी इंडेक्सेस के इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर हमने बता दिए थे, और कल फिन निफ्टी की वीडियो में हमने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था 21,000 का, और मैंने आपको कहा था कि अगर 21,000 का लेवल हमारा ब्रेक हुआ, डाउन साइड मार्केट होल्ड हुई, तो देन आपको एक फास्ट मूव डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वो इसी के अपसाइड रही तो आप यहाँ से अपनी सी साइड की पोजीशन को बनाकर चल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी गैप डाउन आई थी, यानी जो इसने लो लगाया था वो 20,964 का यहाँ पर लो लगाया था फिन निफ्टी ने, लेकिन अगेन 21,000 के अपसाइड ही सारा दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन में निकाल दिया है। और अपसाइड हमारा एक थोड़ा सा मोमेंटम आया ज़रूर था, बट वहाँ पर हमारा प्रीमियम बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हुआ था। मैंने आपको बता दिया था कि अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो तैन यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ये लो हमारा यहाँ से आज ब्रेक नहीं हुआ था। मार्केट 21,000 के अपसाइड यहाँ पर होल्ड रही थी। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होना ज़रूरी है डाउन साइड के लिए, और मैंने यहाँ पर इसी के बेसिस पर आज फिर निफ्टी में एक यहाँ पर ट्रेड ली थी। 21,000 की कॉल मैंने बाय करी थी जब 21,000 के अपसाइड ये होल्ड थी 55 पर, और इसने आप देखें तो 89 का यहाँ पर हाई लगाया था। देन बैंक निफ्टी में भी मैं आप देख सकते हैं कि मैंने आपको एक कॉल पोजीशन दी थी, बट ये यहाँ से हमारी एक्टिव ही नहीं हुई थी, क्योंकि मार्केट सारा दिन ही यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज में निकाल दिया था, क्योंकि मार्केट इस टाइम अपने सपोर्ट पर ट्रेड कर रही है। कल मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो हमारी इस टाइम मार्केट है वो सपोर्ट पर ट्रेड कर रही है, अगर वो सपोर्ट ब्रेक हुआ तो मार्केट में एक आपको क्रैश नज़र आएगा और काफ़ी ज़्यादा फिर डाउन साइड मार्केट हमारी जाएगी। लेकिन अभी वहाँ पर वो अगर होल्ड करती है, यानी अगर हमारी निफ्टी या बैंक निफ्टी फिन निफ्टी अपने सपोर्ट पर होल्ड करती है और उस कंसोलिडेशन का ब्रेक वो अपसाइड देती है तो देन अपसाइड मूव आएगा, लेकिन अगर वो यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो देन आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर अब निफ्टी की बात करते हैं कि आप यहाँ पर थर्सडे को कैसे ट्रेड करके चलेंगे, क्योंकि निफ्टी की हमारी थर्सडे को वीकली एक्सपायरी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक चैनल की यहाँ पर हमारी फॉर्मेशन की है, यानी एक हमारा यहाँ पर चैनल बना है जो कि हमें यहाँ पर कल को ट्रेड लेने में, यानी थर्सडे को ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि डाउन साइड की जो हमारा ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है, और ये अपसाइड की ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारा ये बियरिश रेड कलर का पैटर्न जो हमारा बना हुआ है, ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न था, और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमारा एक ग्रीन कलर का था तो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न था, जिसके बाद यहाँ से भी सेलिंग थी, यहाँ से भी सेलिंग थी। अगर इस पैटर्न को भी देखें तो आप देख सकते हैं कि ये भी इवनिंग स्टार का था तो यहाँ से भी हमारी सेलिंग थी। तो अगर अब की बात करें तो आप यहाँ डाउन साइड से देखें तो ये हमारी एक यहाँ से बुलिश कैंडल बनी है तो यहाँ से भी बाइंग है, यहाँ देखें तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न था, यहाँ से भी बाइंग थी। तो अब की बार अगर यहाँ पर देखें तो हमारी आज एक डोजी टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा बना है, यानी डोजी टाइप कैंडलस्टिक का हमारा क्या साइकोलॉजी है कि यहाँ से हमारा बाइंग और सेलिंग दोनों प्रेशर हमारा इस टाइम मार्केट में इक्वल है, क्योंकि आप देखें तो ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के पास ही ट्रेड यहाँ पर कर रही है। तो अगर हमारा इस कैंडल का यानी आज का अगर लो ब्रेक हो जाता है तो ये 22,000 का जो लेवल है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आएगा। लेकिन अगर उसने यहाँ पर आज के हाई को निकाल दिया, यानी इस कैंडल का जो ये हमारी यहाँ पर डोजी टाइप की हमारी कैंडल बनी है, तो थर्सडे को यही आपकी ट्रेड लेने में हेल्प करेगी। अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ से सी साइड की पोजीशन को बनाकर चल सकते हैं, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 22,400 यहाँ से निकल कर आएगा, यानी 200 पॉइंट का मूव अपसाइड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसी कैंडल का लो ब्रेक हो गया तो आपको ये 22,000 का लेवल देखने को यहाँ पर मिलेगा, और ये आपके लिए अगेन सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है तो आपकी यहाँ पर अच्छी ट्रेड बनेगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से कुछ गैप डाउन ही ओपन हो जाती है, यानी 22,000 के लेवल पर ही यहाँ पर हमारी ओपन हो जाती है और यहीं से ही कोई बुलिश पैटर्न बना देती है, तो आप मॉर्निंग में ही अपनी सी साइड की पोजीशन को बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम
जहाँ पर हमारी पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, क्या करेंगे यहाँ पर मार्केट को अपसाइड ले जाने की कोशिश करेंगे और वो यहाँ पर इसको 22,200 तक यहाँ पर ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस कैंडल की बात करें तो 3 दिन हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, मार्केट में सिर्फ सेलिंग ही नज़र हमें आ रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट अब अगेन रीटेस्ट कर सकती है, यानी अपने इन लेवल्स को थोड़ा रीटेस्ट यहाँ पर कर सकती है जो कि हमारे यहाँ पर स्विंग्स हैं। तो यहाँ पर आप अपनी ट्रेड को बनाकर चलेंगे, लेकिन अगर ये 22,000 का लेवल ब्रेक हो गया तो आपको फिर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा, यानी जितना ये गैप है उतना ही गैप हमें डाउनसाइड देखने को मिलेगा और फिर मार्केट को जो ये लेकर आएगा वो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा आपका 21,600, यानी 400 पॉइंट का मूव आपका यहाँ निकल कर आएगा। फिर उसके बाद की बात करें तो यानी आपको फिर से अगेन 400 पॉइंट का मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी नेक्स्ट सपोर्ट जो आपका रहेगा वो 21,000 यहाँ पर आपका निकल कर आएगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, लेकिन 21,200 भी आपका यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ सकता है। तो यानी सेल साइड के जो हमारे टारगेट है, यानी डाउन साइड के टारगेट हमें बहुत अच्छे मिलेंगे और हमें वो शार्प सेलिंग डाउन साइड देखने को मिलेगी, लेकिन अगर वो इस चैनल का ही यहाँ पर सपोर्ट ले लेती है तो देन आपको फिर से अगेन मार्केट यहाँ पर अपसाइडेड मूव आपको नज़र आएगा। और वैसे भी हमारी 3 दिन हो चुके हैं मार्केट में सेलिंग आते हुए, तो थोड़ा तो यहाँ पर रिकवरी वो कर सकती है हमारी थर्सडे को। तो थर्सडे को हमें सोच समझ कर चलना है कि मार्केट में क्या हमारा यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनेगी। तो 4 हार के कैंडल की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा निकल कर आया है, यानी अगर इस कैंडल का यानी जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसका हाई ब्रेक हो जाता है 22,200 के अपसाइड यहाँ पर होल्ड हो जाती है तो देन आपको यहाँ पर निफ्टी 50 में अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर अब ये देखते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे क्या निकल कर आएंगे, यानी कहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट बुक करके चलेंगे इंट्राडे में। तो हमारे लिए जो यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो 22,206 का, देन 22,266 का, देन 22,344 का, देन 22,425 का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हमारे रेजिस्टेंस निकल कर आएंगे। अगर अपने सपोर्ट की बात करें तो वो रहेगा 22,078, देन 21,916, देन 21,835। अगर 22,000 के डाउनसाइड होल्ड होती है तो ये दो आपके लिए सबसे ज़्यादा फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे निकल कर आएंगे। ट्रेड मैंने आपको बता ही दी है कि आपको कैसे लेकर यहाँ पर चलनी है, ये आपके लिए इंट्राडे के लेवल है कि मार्केट में आपको परसों किस तरीके से और कौन से लेवल्स पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके चलेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।